आज की मेरी वीडियो होने वाली है लिक्विड चैलेंज, क्योंकि लिक्विड चैलेंज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं लिया है। फूड चैलेंज बहुत सारे ले लिए होंगे लेकिन मैंने लिक्विड चैलेंज अभी तक नहीं लिया है। लिक्विड चैलेंज मैं इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। सो अभी हो रही है मॉर्निंग, ये चैलेंज मैंने लिया है 24 आवर्स। तो सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ मॉर्निंग में एनर्जर, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की। तो सबसे पहले मैं लूंगी एनर्जर, उसमें ऑरेंज फ्लेवर आता है। तो ये रहा एनर्जर, इसको मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने अभी वाटर लिया है एंड अब मैं ये थोड़ा सा एनर्जर डालने जा रही हूँ इसमें। तो ये मैंने अपना बना लिया है एंड मैं इसको पीने जा रही हूँ। इसमें ऑरेंज फ्लेवर प्रॉपर नहीं आया है, बट बोला जाता है कि इसमें स्मेल इसकी ऑरेंज की तरह ही है, ऑरेंज फ्लेवर की तरह ही है। तो इसको मैं पी रही हूँ। थोड़ी सी आप इसमें ना सॉल्ट डाल सकते, सॉरी थोड़ी सी आप इसमें ना शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप एनर्जल को थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। टेस्ट ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं लग रहा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करती तो शायद टेस्ट कुछ अच्छा हो जाता। जो ऑरेंज का जो राइंड आता है तो उसी की तरह थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा भी टेस्ट आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसमें शुगर ऐड करती तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता टेस्ट। अभी जो मैंने ये एनर्जर पिया है इससे मेरी भूख तो नहीं मिटने वाली है, और मुझे भी शायद कुछ और भी लेना पड़े, हो सकता है शायद मैं रियलमी जूस होता है उसका मैं ऑरेंज फ्लेवर ले सकती हूँ, या फिर मैं मिक्स जूस ले सकती हूँ, बाकी या फिर मैं पोमोग्रेनेट का भी जूस ले सकती हूँ, देखती हूँ। मेरे घर तीनों रखे हुए हैं क्योंकि मेरी फैमिली में एक्चुअली सबकी तबीयत खराब थी, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी को हाइड्रेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये लोग लिक्विड ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत भी खराब है। तो इसलिए मैंने भी इसीलिए ये चैलेंज लिया है स्पेशली, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत जरूरत है और इसलिए एंड थोड़ी बहुत डाइटिंग भी हो जाएगी मेरी। अभी मैं 10 या 15 मिनट में रियलमी का जूस कोई सा भी फ्लेवर ले सकती हूँ। अगर मैं कुछ भी लेती हूँ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं ये ऑरेंज जूस लेने जा रही हूँ, रियलमी का फ्रेश होता है जो कि। तो ये मैं रियलमी का जूस ले रही हूँ जो कि है ऑरेंज फ्लेवर। तो मैंने ये अपना ऑरेंज फ्लेवर ले लिया है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसमें शुगर भी ठीक है एंड थोड़ा ये खट्टा मीठा की तरह है, खट्टा मीठा टेस्ट है इसका। इसको पीने के बाद शायद मेरा पेट भर जाए, उसके बाद मैं 12 बजे करीबन कुछ खाने वाली हूँ। कुछ खाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगी, बाकी लंच टाइम 2 बजे देखती हूँ क्या खाऊंगी। तो यार ये मैंने फिनिश कर दिया है एंड मेरा पेट भी भर चुका है ऑलरेडी, ज्यादा नहीं। अगर मेरे को थोड़ी सी और भूख लगेगी तो कुछ और भी खा लूंगी, मेरे पास लिक्विड चीजें बहुत सारी रखी हुई है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे घर सबकी तबीयत खराब है, तो हर तरीके के जूस भी मेरे घर अवेलेबल है एंड और भी बहुत चीजें हैं जो मैं वीडियो में शेयर करूंगी। तो मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो अब बज गए हैं 12, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं सूप ले लूँ, टोमेटो सूप। मैंने आपको जैसा कि बताया था मेरे घर में तबीयत खराब है, तो मेरी मम्मी ने सूप बनाया था सबके लिए, तो वही सूप रखा हुआ है, तो मैं वही अब पीने जा रही हूँ अपने 12 बजे। ये है टोमेटो सूप जिसको मैं पीने जा रही हूँ एंड इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया है मैंने जस्ट थोड़ा सा। मुझे भी ना कोल्ड सा हो चुका है, तो ये मैं पीने जा रही हूँ अपना टोमेटो सूप।
ये घर में ही बनाया हुआ है, बाहर से नहीं लिया है, घर में ही बनाया है ये मम्मी ने। अच्छा है। मुझे कुछ नमक का खाने का मन भी कर रहा था, क्योंकि 2 बार मीठा ऑलरेडी पी चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम सूप सही रहेगा पीने के लिए। एंड दिन में शायद मैं कोई शेक ले सकती हूँ, बनाना शेक ले सकती हूँ, या फिर मैं मैंगो शेक ले सकती हूँ। वैसे बनाना शेक मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं मैंगो शेक लूँगी, क्योंकि वो हैवी भी होता है। सो मेरा सूप हो गया है फिनिश, एंड अब मैं आपसे लंच टाइम पे मिलूंगी। लंच टाइम पे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं मैंगो शेक पीऊंगी। 2 बज रहे हैं एंड मैं आपके लिए मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वो हैवी होता है एंड या लिक्विड भी है। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मेरा शेक रेडी हो गया है, जिसको मैं पीने जा रही हूँ। एंड ये हैवी होता है तो मेरा पेट भी भर जाएगा इससे बहुत आराम से। मैंने इसमें, सही बताऊँ आपको, इसमें मैंगो जो था वो बहुत ज्यादा ठंडा था, बहुत ज्यादा, एंड जो दूध था वो भी बहुत ठंडा था। तो मैंने इसमें बॉइल करके वाटर डाला है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मुझे भी कोल्ड है एंड सिस्टर को भी पीना था, तो उसकी भी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा मुझे ये ज्यादा चिल नहीं बनाना चाहिए। फिनिश है। ओके, तो मेरा सच में बहुत ज्यादा पेट भर चुका है एंड मेरे घर न्यूज चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा वॉइस आ रही होगी पीछे से। तो मेरा लंच टाइम हो गया है कंप्लीट एंड मैं आपसे मिलती हूँ शाम के टाइम, जब मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी। एंड मैं डेली बनाती हूँ, क्योंकि उनको फीवर भी है, और वैसे भी मैं डेली बनाती हूँ, तबीयत खराब नहीं होती किसी की, मैं तो भी बनाती। सो मिलती हूँ आपसे टी टाइम पे। सो अभी हो गया है मेरी टी टाइम का टाइम एंड मुझे सबके लिए ऑलरेडी बनानी है, क्योंकि जैसे जिसकी भी तबीयत खराब है वो चाय ज्यादा से ज्यादा पिए एंड गर्म चीजें ज्यादा ले। ये तो मैं सबके लिए भी टी बनाने जा रही हूँ, साथ में अपने लिए भी टी बनाने जा रही हूँ। एंड अभी बज रहे हैं 4, तो चलते हैं चाय की तरफ, सॉरी किचन की तरफ। सो माई टी इज रेडी, अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। टी टाइम, सी गाइस। मेरी टी हो गई थी डन, मैं बता नहीं पाई क्योंकि अचानक से मैं न्यूज देखने लगी थी एंड मैं कसम से, मेरे को इतना रोना आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि इतनी लोगों की हालत खराब हो रखी है, मतलब मेरे घर में भी तबीयत खराब है मेरी फैमिली की, एंड बाकी भी लोग हैं उनकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी मम्मी आईसीयू में है, तो बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तो भूख लग रही थी, चलो देखते हैं, अभी 6 बज रहा है, मुझे भूख सी लग रही है, तो मैं पीने जा रही हूँ अभी जलजीरा। ये जलजीरा है, मैं इसको पीने जा रही हूँ अभी। अभी मैंने पानी ले लिया है, मैं इसमें जलजीरा डालने वाली हूँ। तो मेरा जलजीरा हो गया है रेडी, तो मैं इसको पीने जा रही हूँ। गोलगप्पे वाला टेस्ट आ रहा है एंड इसमें मैं चाहूँ तो मैं इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हूँ एंड सॉल्ट भी ऐड कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही पीना है, क्योंकि मुझे ना कुछ खट्टा सा खाने का मन कर रहा था और ये बिल्कुल गोलगप्पे के पानी की तरह लगता है, तो इसलिए मैं इसको पी रही हूँ। नीचे का मसाला बहुत टेस्टी होता है,
मुझे बहुत मजा आता है नीचे का मसाला पीने में। वाह, नीचे का तो बहुत ही ज्यादा स्वाद था। सो गाइज 6 बज रहा था, मुझे भूख लग गई तो मैंने जलजीरा पी लिया। अब डिनर टाइम में आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ, मतलब सॉरी क्या पीने वाली हूँ। मिलती हूँ डिनर टाइम पे। बहुत जोर से भूख लग रही है तो मैंने सोचा ये रियल मी का जूस पी लूँ, तो मैं इसको पीने जा रही हूँ एंड फोन को रख देती हूँ यहाँ। ओके मैं आपको बोला था ना मुझे बहुत कड़वा सा टेस्ट लगता है, आप ना अभी मेरे फेस के रिएक्शन देखते रहे ना कैसे कैसे होंगे। मुझे बहुत कड़वा सा टेस्ट आ रहा है इसका, पर मैंने इसे ना खोल लिया है तो मैं सोच रही हूँ मुझे फिनिश करना चाहिए, और भूख बहुत तेज लग रही है सच में मुझे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विड, मतलब लिक्विड से पेट कैसे भर सकता है, लेकिन लिक्विड से पेट भर सकता है, इजिली भर जाता है पेट, एंड बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें ही पीनी चाहिए इस टाइम पे। नॉर्मल, वैसे नॉर्मल डेज पे नहीं, इस टाइम पे तो पीनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को वायरल फीवर वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको पीने का यार। बहुत कड़वा, बहुत कड़वा है ये, मुझे पसंद नहीं है यार। जब मैं इसे गटकती तो मुझे बहुत कड़वा सा टेस्ट आ रही, पिया नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा है, जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने ना वो जूस पूरा नहीं पिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था, बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत ही थोड़ा बचा है। एंड अब मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, तो वैसे मैं आलू गोभी बनाऊँगी आज। सब्जी मैंने काट दी है, मम्मी ने थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी थी, एंड बाकी चीज़ें मैंने खुद कर ली है। मम्मी ने गोभी काट दी थी, बाकी और चीज़ें जो होता है लहसुन प्याज ये सब मैंने खुद से कर लिया है। ओके तो आपसे डिनर टाइम पे मिलूंगी अब। बहुत ही बुरा हाल है सबका, बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी ये मेरे डिनर टाइम हुआ है जिसमें मैं लेने जा रही हूँ काढ़ा। इस टाइम पे तो काढ़ा पीना चाहिए, तो ऑलरेडी ना मेरे लिए काढ़ा बना हुआ रखा हुआ है, मैं आपको पिला देती हूँ, बस मुझे गरम करना है, काढ़ा गरम करने के लिए रख दिया है। एंड इस टाइम पे पीना भी चाहिए, मुझे कोल्ड भी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काढ़ा पी लूँ इस टाइम पे। वैसे मैं दही रायता ये सब भी खा सकती थी, लेकिन कोल्ड की वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, मतलब और ज़्यादा कोल्ड हो जाए कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं नींबू पानी पी सकती हूँ, लेकिन ये सब मुझे नहीं पीना, ठंडा होता है इसलिए फिर कोल्ड और बढ़ जाएगा मेरा। सो मेरा काढ़ा हो रहा है गर्म, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो मेरा ये काढ़ा हो गया है रेडी, इसको बस थोड़ा ही सा ही पीना है, मतलब ज़्यादा नहीं। मेरा काढ़ा हो गया है रेडी, इसको मैं पी रही हूँ। फाइनली काढ़ा फिनिश कर दिया है, एंड ये मेरा थोड़ा सा काढ़ा बचा है जिसको अब मैं नहीं पीने वाली हूँ, क्योंकि आपको अभी मेरे फेस के रिएक्शन से पता लग ही गया होगा। तो इस वीडियो को अब मैं कल कंटिन्यू करूंगी। गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस। रात में ना मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ना पैरासीटामोल दवाई ले ली और मैं सो गई, तो अब मैं थोड़ा बेटर हूँ। अभी मैंने गीजर ऑन किया है नहाने के लिए, नहाने से थोड़ा अच्छा सा फील होता है एंड माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टाइम पे। मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है जिसमें मैं लेने जा रही हूँ मिक्स रियल जूस।
के रहा। ये मैं लेने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, एंड मेरा 24 आवर्स चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है। सो मेरा 24 आवर्स चैलेंज कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।